कैप्टन थॉमसन जब जहाज से उतरे तब उनको ऐसा लगा था कि ये जहाज को कहीं दूसरे जगह पे लेके जाकर डुबो देना होगा। इसलिए उन्होंने तय कर लिए थे कि जो काम करना होगा उनके पास सिर्फ 4 दिन है। वो काफी दूर तक चल रहे थे, सामने देख रहे थे कि बहुत बड़ा एक जंगल है और उसके ही बाजू में दो पहाड़ी जैसे एक दूसरे के तरफ मुड़ के खड़े हुए। कैप्टन थॉमसन सोच रहे थे, बेवकूफ है ये लोग। पेरू के महाराजा सोचते हैं कि वही सबसे अमीर है। गलत। इस बार का नया अमीरी मैं दिखाऊंगा। मैं हूं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान। वो सोच रहे थे कोई ऐसी जगह जहां वो अपने सोने को छुपा सके। कैप्टन थॉमसन चलते चलते सोचे कि अगर इतना सारा सोना जो एक जहाज में भरने के लिए लगभग 300 लोग लगे थे उसको जमीन के अंदर गाड़ने के लिए बहुत दिन लग जाएंगे, उनके पास सिर्फ है 4 दिन। तो उन्होंने सोचा कि सोना छुपाना ही है तो कोई ऐसी जगह ढूंढना होगा जहां पे एक गुफा रहे। लगभग 5 घंटे चलने के बाद कोकोस द्वीप के तपती हुई सूरज के रोशनी में कैप्टन थॉमसन को अपना मनपसंद जगह मिल ही चुका था। वो देखे कि पहाड़ी के अंदर एक गुफा है। वो सोचे कि सारा सोना ये जगह छुपा कर और इसको ढक दे तो काफी अच्छा होगा। लेकिन तकलीफ एक थी, वो गुफा एक खाई के नीचे था और कैप्टन थॉमसन को वो मिला जब वो चलते चलते उस खाई के नीचे देखे कि गहराई कितनी है तो शायद से गहराई 3 इंसान का ही था, मतलब लगभग पकड़ लो 15 फुट। कैप्टन थॉमसन रस्सी लाए थे अपने साथ तो वो नीचे उतर कर देखे तो पूरा परफेक्ट प्लेस था। उन्होंने सोचा कि जो सोना भरने के लिए लगभग 300 लोग लगे थे उनको बहुत दिन तो लग जाएंगे लेकिन बहुत काम करना पड़ेगा। और हाँ, वो सोचे कि एक साथ काम करके थक कर फिर हार्ट अटैक ही आ जाए, ना। कैप्टन थॉमसन सोचे कि काम करना होगा समझदारी से, तो वो काम के बीच में ब्रेक लेते गए। 3 दिन लगे उनको पूरा मिट्टी से अंदर सोना भरने के लिए और फिर पत्थर से उसे भर दिए। कैप्टन थॉमसन ज़्यादा थके नहीं थे, उसीलिए उन्होंने सोचा ये खेल जल्दी ख़त्म करना होगा। अब अगर वो ग्रीन ऑलिव को लेकर पेरू शहर लौट जाए तो वो महाराजा को क्या कहानी सुनाने वाले हैं कि वो बच गए और सब पानी के अंदर गिर गए। कोई बेवकूफ ही होगा जो इसमें विश्वास कर ले। कैप्टन थॉमसन ने सोचा क्यों नहीं पूरे जहाज को बीच समुंदर में डुबो दे और फिर एक लाइफ बोट से ही पेरू चले जाए। इतने सालों से तो चल रहे थे उन लहरों के बीच में, वो तो ये और भी आसान हो जाएगा उनके लिए। लुक्स टू ईजी। वो सोचे कि जो जहाज चलाने में मुश्किल होती है उससे ज्यादा आसान तो होता है उसको डुबोने में। लेकिन एक जहाज और एक नाविक का जन्मों का रिश्ता होता है और उसको डुबोने में कोई नाविक खुश नहीं होता। कैप्टन थॉमसन ग्रीन ऑलिव को लेकर गए एक ऐसी जगह में जहाँ से कोई जहाज गुजरता ही नहीं। वो अपने डेक से नीचे एटिक में गए और फिर कुल्हाड़ी से एक छेद कर दिए। छेद से बहुत जोरों के बहाव आ रहे थे पानी के। वो भागकर डेक में चढ़े और फिर लाइफ बोट से नीचे उतर गए। उन्होंने अपने मंजिल तक पहुंचने जैसे खाना और एसेंशियल्स लेके रखे थे। उसीलिए कैप्टन थॉमसन जब लाइफ बोट से दूर जा रहे थे तब उनको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने कहा था एक जहाज और एक नाविक का जन्मों का रिश्ता होता है और उसको डुबोने में कोई नाविक खुश नहीं होगा। कैप्टन थॉमसन चलते रहे। वो सोच रहे थे अपने दिमाग में कि पेरू पहुंचने के बाद वो कहेंगे राजसभा में कि हे हाइनस, मैं जब उस जहाज को लेकर जा रहा था तब एक बहुत ही बड़ी
तूफान आकर जहाज को पलट दिया। मैं ही बचा और बाकी सब डूब गए, साथ में सोना भी। इतने साल वो बेवकूफ लोग ये सोच के गुजारने वाले हैं कि सोना पानी के नीचे है, लेकिन असलियत असलियत तो बहुत कड़वी होगी। असलियत तो ये है कि इस दुनिया में कैप्टन थॉमसन से अमीर और कोई नहीं। कैप्टन थॉमसन मन ही मन खुश हो रहे थे और चल रहे थे पेरू की तरफ। लगभग कितना, हाँ एक घंटे चलने के बाद ही वो तो सोचे, अरे वाह किस्मत का ये क्या खेल। सोच रहे थे कि अगर कोई जहाज इनको देख ले तो काम और आसान हो जाएगा। पेरू पहुंचने के लिए लगेंगे लगभग 2 दिन, वो हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। और दिमाग में किस्मत कह रहा था, गुड कैप्टन थॉमसन, गुड, लगता है तुमने मुझे चेकमेट कर दिया, बट ये याद रखना मैं किस्मत हूं, बहुत कमीना चीज, कभी भी पलट जाऊंगा। ये सब तो फालतू के बातें थी कैप्टन थॉमसन के लिए, उन्होंने मजे में ही उड़ा दिया। और किस्मत तो ये था कि जो काम वो आधे घंटे में सोच रहे थे वो और नजदीक आ रहा है, हाँ एक जहाज। और मजे की बात तो ये है कि जिस तरफ से वो आए उधर से और एक जहाज आ रही थी। कैप्टन थॉमसन ने सोचा, सोने पे सुहागा, ये क्या है, दो दो जहाज, आज तो मेरा किस्मत ही खुल गया। लेकिन बोला था मैंने, किस्मत बड़ी कमीनी चीज है, कभी भी पलट जाएगा। हुआ भी वही, जब सामने वाला जहाज उनके बाजू में आ रहा था, कैप्टन थॉमसन का गलत फहमी तब दूर हुआ, क्योंकि सामने वाला जहाज पेरू निर्देशक का नहीं, समुंदरी लुटेरों का था। कैप्टन थॉमसन कितना दूर जाते, जितने स्पीड से वो जहाज उनके तरफ आ रहा था उससे दुगना स्पीड एक लाइफ बोट। छह, कैप्टन थॉमसन के पास और दूसरा कोई सहारा था भी नहीं, वो चढ़ गए, लेकिन नहा एक पैसेंजर की तरह नहीं, एक कैदी की तरह। उनको खींच के ऊपर लेकर गए और फिर उनको एटिक में बंद कर दिया। जब एटिक में बंद कर दिया गया था, कैप्टन थॉमसन बहुत डर गए थे, वो देख रहे थे कुछ और नहीं सिर्फ अंधेरा। लगभग 10 मिनट चुप बैठने के बाद एक आवाज आया, तुम कहां से आ रहे हो? कौन मैं तो डूबने वाला था ग्रीन ऑलिव जहाज के साथ, लेकिन मैं बच गया, आप कौन? मेरे को नहीं पहचानते, ब्लैकबियर्ड, क्वींस मैरियानी का सबसे फेमस पायरेट मैन। अब मैं तुमसे कुछ सवाल करने वाला हूँ, तुम नहीं बताओगे सीधे तरीके से तो उंगली टेढ़ी करोगे, तो हमको अच्छे से आता है, अब जो तुमसे कहा जाता है उसका जवाब दो। हमने सुना कि ग्रीन ऑलिव में कुछ तो माल जा रहा था, तुम सच बताते हो कि नहीं, या फिर तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूं। देखा, इधर आओ जल्दी, मुझे लगता है ये पेरू प्रशासन का जासूस है, इसका हाथ पैर तोड़ दो, चल ना पाए। जब जहाज डूब रहा है तो कैप्टन को भी उसके साथ जाना चाहिए, ये तो ऐसे भी गद्दार निकला। मैं गद्दार नहीं हूँ। चुप, तू गद्दार नहीं है तो कौन है साला डरपोक? जब जहाज डूब रहा है तो तुझे भी उसके साथ जाना चाहिए था। अभी तेरी मर अकेले, तेरे मन गठन कहानियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, देखा इसको अकेले इधर मरने छोड़ दो, चलो तुम। कैप्टन थॉमसन ये सोच रहे थे कि मैं घर जिंदा पहुंचूंगा,
और अगर पहुंचा तो मेरे आंख रहेंगी या हाथ, क्या मालूम। ये लोग तो लुटेरे हैं, इनको पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। वैसे मेरे पास एक छोटी सी तरकीब बची हुई थी। अगर मैंने इनको कहा कि कोकोस आइलैंड के अंदर बहुत सोना है, ये उधर जाएंगे उसे चोरी करने और आखिर में वहां फंसेंगे और मैं भाग कर निकल आऊं, नहीं, इनके जहाज के अंदर लगभग 30 से 40 आदमी रहेंगे और उनमें से निकल आएंगे शायद से ही 5 या 6 सरदार के साथ। ब्लैक बियर्ड को इतना हल्के से हम नहीं ले सकते। वैसे अभी पता चला कि जहाज अपनी मंजिल पेरू की तरफ से दूसरी ओर घुमा लिया। तब कैप्टन थॉमसन ने सेलर से चिल्ला कर कहे, कोई है? ब्लैकबियर्ड, ब्लैकबियर्ड, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब ब्लैकबियर्ड सेलर के अंदर आया और कहा, क्या बताना है तुमको? देखो, मेरी बात का तुमको विश्वास रखना होगा। कोकोस द्वीप के अंदर पेरू शहर का सारा सोना मौजूद है। मैं बोल रहा हूँ, कैप्टन थॉमसन, ग्रीन ऑलिव में लाया गया था हार। ये बता के कैप्टन थॉमसन ने उनको सब बता दिया, सब कुछ। कैसे उन्होंने ग्रीन ऑलिव को डुबोया, कैसे सब मर चुके थे, कैसे उन्होंने सोने को ठिकाने लगा। लेकिन किस्मत और भी गहरा खेल रहा था। कैप्टन थॉमसन को ब्लैकबियर्ड ने एक जोर का लात मारा उनके कंधे में और कहा, झूठ, बस झूठ, लेकिन मैं जाना चाहूंगा वहां और तुम मेरे साथ आओ। अगर सोना नहीं मिला तो उधर ही जिंदा गाड़ दूंगा तुमको, समझे? कोई चालाकी नहीं। कैप्टन थॉमसन के कंधे में बहुत दर्द दे रहा था। ब्लैकबियर्ड निकल जाने के बाद कैप्टन थॉमसन बहुत रो रहे थे, उनको बहुत दर्द हो रहा था। जैसे उनके दिमाग में एक से एक कभी कॉर्टेस, कभी बेलवर्डिन का शक्ल आ रहा था, कभी वही माझी लोगों को, या तो कभी वही सैनिकों को जो उनकी मदद करने के लिए भेजे गए थे। आज वही जैसे उनके ख्वाबों में आके कह रहे हैं, अब बताओ कैप्टन थॉमसन, क्या मिला तुमको इतना खून करके? क्या पाए? देखा, जो तुम करना चाहते थे हमारे साथ वो तुम अभी भुगत रहे हो और आने वाले वक्त में भुगतोगे। ज्यादा नहीं, 1 घंटा उनको सेलर के अंदर रहना पड़ा। उसके बाद यह पता चला कि पूरा जहाज कोकोस द्वीप के सामने आ पहुंच चुका है। कैप्टन ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। देखो, तुम और अपने 4-5 साथियों को लेकर जाओ। पहले जाके पता करो कि वो जगह सच में था या नहीं, और इसको साथ में लेके जाओ। बांध के लेना, कहीं भाग ना जाओ, और तू चालाकी मत करना वरना तेरा हाथ पैर काट के यही दफना दूंगा। लेके जाओ इसको डगा अब भी। कैप्टन थॉमसन ज्यादा चल नहीं पा रहे थे। लगभग 48 आवर्स यानी कि 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया, जबकि इतना काम कर रहे थे। वो सोचे थे कि एक बार जहाज के ऊपर चढ़ जाए, उसके बाद पेट भर के खाएंगे और फिर आराम से पेरू शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या करें, ये वक्त उनके हिसाब से नहीं चल रहा था। कैप्टन थॉमसन को अभी रस्सी से बांध कर लेके जा रहे थे 4-5 जन, और सबसे आगे एक काला सा बंदा जिसका नाम था डेका। ये बोल नहीं पाता है, सिर्फ इशारों में बात करता है, क्योंकि इसकी जुबान एक लुटेरे ने काट दिया था। और बाद में पता चला कि डेकर ने उसका लाश कहीं ऐसी जगह छुपा दिया कि वो आज तक नहीं मिला, और इसको इतना मारा गया कि यह आज तक मुंह तक नहीं खोला। खतरनाक है ये लोग, लेके जा रहे थे इनको। ये चलते चलते कैप्टन थॉमसन के दिमाग में
एक नया खेल है। वो अचानक से जमीन में गिर गए अपने पेट को हाथ लगाते हुए और चिल्लाते रहे, भूख भूख लगी है, कुछ खाने को है, कुछ खाने को है। वो जमीन में गिरने के बाद सारे सैनिक भी बैठ गए, क्योंकि लगभग वो 2 घंटे से चल रहे थे, इसीलिए वो सब थक गए थे। सब बैठ के कहा, अवर नहीं हो रहा बाबा। देखो, तुम भी बैठ जाओ कुछ देर के लिए, हमारे पास ज्यादा वक्त तो है नहीं, लौटना पड़ेगा। ये झूठ बोल रहा है लग रहा है कैप्टन टॉमसन, लेकिन कुछ और ही सोचे थे उनके लिए। वो धीरे धीरे से अपने बूट के पीछे एक चाकू छुपाए रखा था। ये हर नाविक के पास रहता है, एक छोटा सा चाकू, या कह सकते एक छोटा सा छुरा या फिर ब्लेड, जो मुसीबत में उनका साथ दे, या तो उनका जान ले भी सकता है और फिर उनके लिए एक जान दे भी सकता है। वो धीरे से उस चाकू को लेकर अपने रस्सी को काटने लगे। दिख कुछ ऐसा रहा था कि वो जैसे अपने पेट को सहला रहे हैं, लेकिन असली काम तो उनके रस्सियों में हो रहा था। वो धीरे से रस्सी काट दी। जब सब लोग थक के बैठे हुए थे, कैप्टन टॉमसन धीरे धीरे उठे, अपने जेब से सारे रस्सी को निकाल कर अचानक से वो दौड़ने लगे। सब चिल्लाए, अरे भागा, ये भागा, ये भागा, भागा। सब जब तक कैप्टन टॉमसन के पास दौड़कर पहुंचते थे, कैप्टन टॉमसन उन सब को छोड़कर बहुत आगे निकल चुके थे। वो दौड़ रहे थे, इतना दौड़े कि वो पीछे सबको छोड़कर आगे निकल चुके। कोई उनका पीछा नहीं ले पा रहा। सब थक के वापस लौट गए। कैप्टन टॉमसन अपने मंजिल में आ पहुंचे थे। वो पीछे देखकर चल रहे थे, भूल चुके थे कि आगे रास्ते में एक खाई है। वो खाई में गिर गए। भूल चुके थे कि उनके ही छुपाए हुए अड्डे में वो खुद फंस रहे हैं। लगभग 15 फुट नीचे गिरने के बाद कैप्टन टॉमसन को वापस थोड़ी देर के लिए होश आया। वो जोर जोर से रो रहे थे, क्योंकि उनके पैर में इतना गहरा चोट आया था कि मानो पैर है भी या नहीं, वो भी कैप्टन टॉमसन ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। उनके घायल हुए पैर को घसीटते हुए उन्होंने वो पत्थरों के ऊपर अपना हाथों को सहला लिया, जैसे वो आखिरी बार के लिए अपने बेटे जैसे उनको प्यार कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि खाई की एक तरफ तो बंद है, लेकिन दूसरे तरफ पानी है, यानी कि वहाँ एक रास्ता है बाहर निकलने के लिए। कैप्टन टॉमसन ने तय किया कि अभी के अभी वहाँ छुप के मौजूद होकर ये समझना पड़ेगा कि बाहर कोई है तो नहीं, और वैसे ही वक्त देख के वहाँ से भाग निकलना पड़ेगा। कैप्टन टॉमसन जैसे ही उठकर अपने आप को घसीटने लगे, तब उनको इतना दर्द हो रहा था कि मानो पूरे जिंदगी में उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। कैप्टन टॉमसन निकल के देखे कि वही लुटेरों का जहाज बहुत दूर तैर के चला गया। वो सोच रहे थे उनका लाइफ बोट भी चला गया, कुछ नहीं बचा है तो क्या करेंगे, वो कहां से लाएंगे वो अभी लकड़ियां जिससे वो नया लाइफ बोट बना सके, कहां से उनको मिलेगी इतनी मेहनत, उनका तो पैर भी कुचल चुका है तो वो करेंगे कैसे सब काम। कैप्टन टॉमसन जब तक सोच रहे थे, तब उनके दिमाग में एक नया आइडिया का इजाद हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे पास क्या है? हाँ, उनके पास था एक लंबा सा छुरा, और वो उससे क्या कर सकते हैं, जो चाहे वो काट सकते हैं लंबे पेड़ों के अलावा। उन्होंने सोचा, तो चलो एक दिन क्या, 1 घंटा लगा देंगे, लेकिन जब वो अपने मंजिल से थोड़े ही दूर है तो क्यों पीछे जाएंगे वो। कैप्टन टॉमसन ने अपने आप को तय करके जंगल के अंदर घुस गए। बहुत सारे पेड़ काटे, एक साथ लाए, लेकिन बांधेंगे कैसे, एक भी बांधने के लिए रस्सी तक नहीं है।
हैरान होकर वो जब बैठ गए तब हताशा से उनके सारे ख्वाब मिट जा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में ही उनकी याददाश्त ने उनको बता दिया, थॉमसन तुम क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त, अभी तक इतना देर हुआ नहीं है, तुम लौट जाओ जहां तुमको वो पकड़ कर रखे थे वहीं पे, जिस रस्सी को काट के तुम निकले हो उसी रस्सी से तुम्हारा काम होने वाला है। कैप्टन थॉमसन अपने आप को घसीट कर लेकर जा रहे थे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, जीत 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 हमारी होगी। खैर, कैप्टन थॉमसन एक घंटे तक पूरे जंगल में भटकते रहे। उनको अपने मनपसंद लकड़ियां भी मिल गई, रस्सी भी मिल गया, उन्होंने सब एक साथ लाकर सब बना दिया, उन्होंने एक लाइफ बोट बना लिया। अब जो काम है वो काफी आसान है, अपने शरीर को उस बोट के साथ ये बड़े समुंदर में बहा देना होगा। कैप्टन थॉमसन के पैर का चोट इतना घाव भर चुका था कि वो दर्द के मारे होश खोने लगे थे, नीला पड़ जा रहा था पूरा पैर एक से एक धीरे धीरे। कैप्टन थॉमसन ने वही किया जो वो सोचे थे, अपने आप को बहा दिया उस अंतिम पानी के अंदर। पूरे 8 दिन लहरों के बीच में कैप्टन थॉमसन ने अपने जिंदगी को लेकर लड़ाई चालू रखे थे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी बहुत बड़ा तूफान तो कभी शांत समुंदर का लहरे। ये सब जैसे कैप्टन थॉमसन को अपने जिंदगी के बारे में बता दे रहे हैं पहले से ही कि उन्होंने क्या पाप किया था। इतने दिनों में कैप्टन थॉमसन के पैर में जो दर्द पैदा हुआ था वो इतना बढ़ चुका है कि अब वो पैर सुन गिर चुका है, कोई काम नहीं कर रहा, वो जैसे एक लाश है, एक जिंदा लाश जिसका ना कोई मालिक है और ना कोई उसे खरीदने के लिए उत्साहित है। वो पानी से बहते बहते कहां चले गए उनको कुछ मालूम ही नहीं। आखिरी के 3 दिन वो जैसे जिंदा लाश बेहोश हो चुके थे, जब उनको समुंदरी मछुआरों ने उनको उठा लाया तब उनको ऐसा लगा था जैसे उनके पैर में किसी ने गुब्बारे डाल दिए रहेंगे, इतना फूक चुका है, और उसके बाद इतने दिन बहने के वजह से, इतना नमक लगने के वजह से और आधे से ज़्यादा हिस्सा जैसे मच्छियों ने खा लिया, बहुत ही डरावना दिखने को लग रहा था वो। वो उनको अस्पताल लेकर गए, कह सकते हो लगभग 1 महीना वो कोमा में थे। जब वो जागे तो उनके पैर दोनों ही काट लिए गए थे, क्योंकि अगर वो उतना दिन उसके पैर के साथ लगा रहता तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता। कैप्टन थॉमसन इतने दिन तक कैसे ये सारे पीड़ा सहते रहे किसी को नहीं मालूम। अरे ये तो पेरू नहीं है, ये कोई ऐसा जगह है जहां आज तक कैप्टन थॉमसन आए नहीं है, कहां है ये? कहीं ये स्पेनिश के दिल में तो नहीं आया? लेकिन क्या करे, कैप्टन थॉमसन को कुछ याद नहीं, कौन है वो, कहां से आए है वो, कुछ याद नहीं। इतने सालों से वो सिर्फ रास्तों में भटकते रहते थे, अगर कोई जहाज देखा तो चिल्ला कर कहते थे, मैं जाऊंगा, मैं उस जहाज को चलाऊंगा, मैं जाऊंगा। जो कोई भी उनके पास से गुजरता था हंसकर कहता था, अरे तू जा रे जा, तू तो पागल है, इसको कोई खाना भी ना दो रे यार, और यही करके उनका पूरा दिन गुजर जाता था।
हर दिन वो बैठ के जैसे कुछ याद करने का कोशिश करते थे। उन सड़कों में जो भी उनको पहचानते थे ये जानते थे अगर कोई जहाज दिख गया तो तब भी इनके बाजू से खसक जाना पड़ेगा, वरना भी चिल्ला कर उठेगा कि वही जहाज में मुझको जाना है। नहीं, कैप्टन टॉमसन को आखिरी वक्त तक अपना नाम तक नहीं याद आया। अपना नाम याद नहीं आया तो क्या हुआ, कोकोस द्वीप का नाम कैसे याद रहेगा। सब उनको यही नाम से पहचानते थे, पागल। कैप्टन टॉमसन ये भी कहते थे, मैं बहुत अमीर हूँ, तुम सबसे अमीर हूँ, मैं हूँ अमीर, इस दुनिया को खरीद लूंगा। और जो गुजरता था वो कहता था, अबे ये भिखारी को कोई पैसा दो यार, दिमाग खाता है हर दिन, तेरे वजह से मैं काम में ढीक से नहीं जा पाता, कोई इसको 2-3 रुपया छुट्टा दो रे। और अगर कोई पागल इंसान उसको दे भी देता था ना छुट्टा, मजे की बात क्या है मालूम है, वो उस छुट्टे को पानी में फेंक देता था और कहता था, छे मेरे को छुट्टा देता है तू, तू नहीं जानता मैं कितना अमीर हूँ, तेरे को खरीद लेगा मैं, ये बोल दे रहा हूँ मैं, मेरे पास नहीं आने का, मेरे पास नहीं आने का। ये लगभग 30 साल तक चला था। सबके दुआ के वजह से कैप्टन टॉमसन जिंदा थे। कोई खाना दे जाता था, कोई पैसा, कोई कपड़ा, तो कोई एक नया पहचान। कुछ काम नहीं आया, कुछ नहीं काम आया उनके लिए। बस एक दिन याद है जब वो जमीन में गिरे हुए थे और सफाई कर्मी आकर देखे कि वो और जिंदा नहीं, उनके लाश को उठाकर वो भिखारियों का कब्रिस्तान है ना, हाँ उधर दफन कर दिया। कोई था नहीं, बस उधर दूसरे जो भिखारी थे वो गए थे उनके फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। सब बेवकूफ थे, सच बोला जाए तो सच में सब बेवकूफ थे। सब खड़े होके बोल रहे थे, ये मेरा दोस्त है, ये पागल जरूर होगा, लेकिन इतने साल एक साथ गुजारे, कोई काम का नहीं। जब उनके वो जहाँ पे वो बैठते थे वहाँ पे साफ करने के लिए लोग भेजा गया तो जमीन में जैसे कुछ लिखा हुआ था, जैसे कोई खोद खोद कर लिख कर गया है। लिखा नहीं था, मतलब एक नक्शा था, एक दीप का, एक खजाने का, जिसके ऊपर लिखा था कोकोस आइलैंड और बाजू में लिखा था सर कैप्टन टॉमसन। बस सफाई कर्मी सोचा कि ये मरने के पहले शायद से याददाश्त आ गया रहेगा, लेकिन अभी वो जिंदा है ही नहीं तो क्या करें। तो कहानी यहाँ ही खत्म हो जाता है। मजा आया होगा ना, जो इंसान इस दुनिया को खरीदने जैसे पैसा रखता था उसको भिखारियों के कब्रिस्तान में कब्र कर दिया गया और किसी को मालूम भी नहीं चला। लाखों लाखों साल निकल जाएंगे, शायद से ये दुनिया भी तबाह हो जाएगा, लेकिन कोई उस पैसे को ढूंढने निकाल पाएगा। ढूंढ कर निकाल भी लेगा तो क्या करेगा, हाँ इस दुनिया में सबसे अमीर बनके तुमको क्या फायदा है, तुम खुश रह पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर रह पाओ तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले ही हफ्ते लेकर आने वाले आपके लिए एक नया कहानी। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन।